हेलो नमस्कार दोस्तों, जय आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट 17 से संबंधित ये दूसरा वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक बताऊंगा। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? 1919 ईस्वी में, 1921 में, 1923 में, 1925 ईस्वी में। इसका राइट आंसर जो है वो है बी, 1921 ईस्वी में, दयाराम साहनी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, किस शैली में परिधान का अंकन करते समय मोटे वस्त्रों पर सलवटों का सूक्ष्म अंकन मिलता है? अजंता, एलोरा, मथुरा, गांधार। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, गांधार। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन पैग का सदस्य नहीं है? पैग प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का सदस्य नहीं है। के एच आरा, एस एच रजा, एम एफ हुसैन, निरोध मजुमदार। इसका जो राइट आंसर है डी, निरोध मजुमदार। क्वेश्चन नंबर 29, यामिनी राय और लक्ष्मण पै की कला का रूप है स्वप्नवादी, यथार्थवादी, अलंकरण, अव्यंजनावादी, घनवादी। इसका राइट आंसर जो है वो है सी, अलंकरण अव्यंजनावादी। क्वेश्चन नंबर 30, सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्रीज के विद्यार्थियों द्वारा अजंता की अनुकृतियां बनाने का कार्य कब प्रारंभ हुआ? 1872 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 1872 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31, विचित्रा क्लब की स्थापना किसने की? गगनेंद्र नाथ ठाकुर, देवेंद्र नाथ ठाकुर, रविन्द्र नाथ ठाकुर, अवनीन्द्र नाथ ठाकुर। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, रविन्द्र नाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 32, पुनरुत्थानवादी कलाकारों में विक्षिप्त मानव जैसी रूपाकृतियां बनाने वाला कलाकार है? गगनेंद्र नाथ टैगोर, अवनीन्द्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस, रविन्द्र नाथ टैगोर। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 33, ए ब्रश विद लाइफ किस भारतीय चित्रकार की आत्मकथा है? के हैबर, भावेश सान्याल, सतीश गुजराल, एम एफ हुसैन। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सतीश गुजराल। क्वेश्चन नंबर 34, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने किस शहर को भारत का एथेंस कहा था? पाटलिपुत्र, काशी, तंजौर, मदुरई। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, काशी। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से किस माध्यम के रंग टेम्परा तकनीक में प्रयोग किए जाते हैं? जल, तैल, एक्रेलिक, पेस्टल। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, एक्रेलिक। क्वेश्चन नंबर 36, हबीब तनवीर जो कि उर्दू और हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार थे, इनका निधन कब हो गया? 1923 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 2009 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 37, के जी सुब्रमण्यन का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बनारस। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर भारत का पहला मानव विकास संग्रहालय कहाँ स्थापित किया था? लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, अलीगढ़। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 39, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ। इसका राइट आंसर जो है वो है बी, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 40, कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया गोथिक कला में, बाइजेंटाइन कला में, ईसाई कला में, रोमनस कला में। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, बाइजेंटाइन कला में। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार विदेशी नहीं था? आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नादिर, उस्ताद मंसूर।
इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उस्ताद मंसूर। क्वेश्चन नंबर 42, मकबूल फिदा हुसैन को भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से कब नवाजा? 1954 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 1973 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43, ओपेरा संगीत किस देश में शुरू हुआ? इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, इटली। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी है? शोले, माई डियर, कुट्टीचाथन, रंग दे बसंती, देवदास। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, माई डियर कुट्टीचाथन। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व का सबसे पुराना संग्रहालय? ए निकादी, अन्नाज, कहाँ स्थित था? मिस्र, क्रीट, चीन, मेसोपोटामिया। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, मेसोपोटामिया। क्वेश्चन नंबर 46, प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई थी? 480 ईसा पूर्व, 481 ईसा पूर्व, 482 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 483 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 47, कुम्हार के चाक का प्रथम प्रयोग हुआ सुमेरिया में, बेबीलोन में, मिस्र में, असीरिया में। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सुमेरिया में। क्वेश्चन नंबर 48, स्वर्गीय राय किशोर दास भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, पद्म भूषण। क्वेश्चन नंबर 49, द स्टूडियो का कलाकार कौन था? कूर्बे, पिकासो, डेविड, माने। इसका जो राइट आंसर है वो है रूप, जिन्होंने जापान से रंगीन छपाई चित्र का कार्य सीखा तथा इस विधि में छपाई कला का प्रारंभ कला विभाग शांति निकेतन में किया। किसके पुत्र हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, गगनेंद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, नंदलाल बोस। तो दोस्तों, इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।